एनडीए इनकम्बेंसी की जीत होती तो इस बड़ी संख्या में सीटें बीजेपी को नहीं मिलती। जिस बड़ी संख्या में सीटें बीजेपी को मिली है उसका एक तात्कालिक मतलब तो ये निकलता है कि मोदी की लोकप्रियता बराबर कायम है, और दूसरा यह है कि जो बीजेपी की चुनावी रणनीति थी उसकी यह सफलता है। जिस तरह से वहां पर ध्रुवीकरण किया गया उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और 2014 में जो रणनीति थी लोकसभा चुनाव में यूपी के लिए, वो लगभग वही रणनीति इस विधानसभा चुनाव में भी अपनाई गई, और इसीलिए सफलता ठीक 2014 की तरह ही 2017 में उनको मिली है। बोझ हमको लग रहा है, लेकिन बीजेपी को या जिस पार्टी को भी इस तरह बहुमत मिलता है वो इसको बोझ नहीं मानता। यदि उसको बोझ मानकर जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने लगे तो 70 साल में इस देश का नक्शा बदल जाता। उन तमाम मुद्दों को जिनके आप जिक्र कर रहे हैं वो जहां थे वहीं रहेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि उन मुद्दों को भले ही वो हाशिए पर डाल दें, लेकिन उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने का जो जो वादे किए थे, मसलन किसानों की कर्ज माफी है, अस्पताल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर यदि ध्यान दें तो यूपीए का कायाकल्प हो जाएगा और सही माने में माना जाएगा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा गया था। अभी लगभग 1.5 साल है इन राज्यों में चुनाव, 1.5 साल तक वो माहौल बना रहेगा और उसका कोई असर यहां पर होगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जरूर है कि इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल वो तो इस जरूर बढ़ जाता है। उसमें जो थोड़े बहुत जो बीजेपी पार्टी के अंदर जो एक तरह से कहें कि मनमुटाव या असंतोष या नेतृत्व को लेकर थोड़ी नाराजगी, जो इस तरह की चीजें होती हैं कार्यकर्ताओं में, वो इससे तिरोहित हो जाती हैं। देखिए, इस चुनाव परिणाम का 3 संकेत बहुत स्पष्ट रूप से उभरता है। एक, क्षेत्रीय दलों को जनता ने नकार दिया है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। दूसरी बात यह है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां पर सरकारें बदली हैं, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो या दूसरी पार्टियों की रही हो। और तीसरा ये कि जो गठबंधन की राजनीति थी उसको भी लोगों ने नकार दिया है। गठबंधन चाहे वो अखिलेश और राहुल का हो या अकाली और बीजेपी का पंजाब में हो। इसके उलट यदि आप थोड़े पहले जाके देखें मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, गठबंधन शिवसेना और बीजेपी का टूटा तो उसका फायदा उसको मिला। तो इसका मतलब यह है कि गठबंधन की राजनीति अब लोगों ने आगे उसको चलने देने के लिए अब तैयार नजर नहीं आते। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।